हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। एंड आज सैटरडे है तो आज ज़्यादा काम भी नहीं हुआ। देख सकते हैं पूरा काउंटर खाली खाली सा लग रहा है। एंड अभी मेरे पास एक कैंडिडेट आए हैं एंड उनका बहुत दिन से पैसा नहीं आ रहा था और ही उनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि एक्चुअल में क्या कारण है नहीं है। तो जब वो कृषि दफ्तर मतलब कृषि ऑफिस एग्रीकल्चर ऑफिस गए तो उनको ये पता चला कि उनका आधार सीटिंग वगैरह सब नहीं किया हुआ है, दैट्स वाई नहीं आया। और उनका एक नाम का भी प्रॉब्लम था, मंडल का जगह MAM क्या होना चाहिए था? ये आधार कार्ड ये अच्छे और बोलते वो अच्छे, ठीक अच्छे। तो मतलब एक जगह जैसे होता है MANDAL, एक कोई कोई लिखता है MONDAL। तो इस कंफ्यूजन में क्या हुआ कि वो भी पैसा नहीं आया और इनका आधार सीटिंग वगैरह सब भी नहीं किया हुआ था। जब अभी कृषि ऑफिस गए कुछ दिन पहले तो उनको ये सब चीज लिख करके दिए हैं। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे पता चला कि यहाँ पे अकाउंट खुलता है पोस्ट ऑफिस में? कैसे पता चला अकाउंट खुलता है पोस्ट ऑफिस में? जे हमरा कंप्यूटर जे कोई कोई करे छी त बेर करे छी जे पोस्ट ऑफिस से करत छूट गेल। यहाँ पे इनका आधार सीटिंग अकाउंट नो लिखा है। यहाँ पे देखिए इनका आधार सीटिंग नो लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इनका पैसा नहीं आता है। EKYC किया हुआ है, आधार सीडिंग नहीं किया हुआ, तभी हम इनका अकाउंट खोलेंगे और हो जाएगा काम। ठीक है, इनका अकाउंट खोल देते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है, वो भी अकाउंट खोल करके देखते हैं। ठीक है, ये गए थे थोड़ा, इनको बोल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत दिन से इनको पैसा आना चाहिए था, एक डेढ़ साल से पैसा नहीं आ रहा। एक साल से पैसा नहीं आ रहा। सबको पैसा आता था, आगे आता। हाँ, पहले आता था। हाँ, आपका जो फ्रेंड लोग है वो लोग को पैसा आया है? हाँ, हम लोग का घर में पासावासी लोग में सबको पैसा आया। हाँ, सिर्फ आपको नहीं आ रहा ना। तो जब दूसरे दोस्त लोग से नहीं पूछे, फ्रेंड लोग से कि पैसा कैसे नहीं आ रहा, किछु न बोले? नहीं ना, ना। कोई नहीं बोलता है। आपको कैसे पता चला यहाँ पे अकाउंट खुलता है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है, कौन बोला? कंप्यूटर दुकान में जो काम करता है वो बोला। और कृषि ऑफिस गए थे, क्या बोला वहाँ पे? वहाँ पे बोलते आधार लिंक ये ठीक करो और नाले पोस्ट ऑफिस से बुई करो। ठीक है, तो इनका आधार का भी मैटर था और मेनली जो मैटर है आपको दिखाई दिया, आधार से लिंक किया हुआ नहीं है। तो अभी जस्ट अभी इनका अकाउंट खोलेंगे, प्रीमियम अकाउंट, पीएम किसान प्रीमियम अकाउंट, एंड ही विल गेट पीएम किसान बेनिफिट, मीन्स 2000, 2000, 2000, 6000, 8000, 10000। यहाँ पे सबको पैसा मिलता है, जो भी बाकी का पैसा है यहाँ पे आइए अकाउंट खोल देंगे। सो ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट पोस्ट ऑफिस आइए अकाउंट खोलेंगे, टाका यू ही आ जाएगा। ठीक है, तभी फिलहाल अभी इनका अकाउंट खोलेंगे और देखते हैं इनका क्या प्रोग्रेस होता है आने वाले टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला है, दैट्स व्हाई अभी बहुत ज्यादा जोर शोर से काम चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, पूरे पोस्टल सर्कल में। तो हम भी यहाँ पे जोर शोर से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं अकाउंट खोलेंगे। माइक्रो एटीएम में जाएंगे, यहाँ पे एक डिपॉजिट किए थे, यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट करेंगे। आर यू ए रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पस इन अ कंट्री टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? नो कर देंगे। रेगुलर अकाउंट में जाएंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, SBRPM देंगे, कंटिन्यू करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मोबाइल नंबर पूछेंगे कैंडिडेट से, मोबाइल नंबर कितना है? 62 96 12 3 80। ओके, SBRPM ऑलरेडी सिलेक्टेड आ छे, कंटिन्यू, एक्सेप्ट, OTP जाएगा। वेयर इज मोबाइल? दीजिए। यहाँ पे देखिए OTP आ गया है। ठीक है, कितना OTP? वेयर इज 760। सबमिट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। वेयर इज आधार कार्ड? 8870। उसके बाद आई हैड बाय एग्री टू यूज माई आधार डिटेल्स टू ऑथेंटिकेट मी फ्रॉम UIDAI। इसको क्लिक करेंगे सर, स्क्वायर को सबमिट करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे उनसे। फिंगरप्रिंट दीजिए वहाँ पे, यहाँ पे टैप करेंगे एक बार एंड वहाँ पे
रेड लाल लाल कलर में जलेगा, और यहाँ पे देखिए फिंगर का थोड़ा सा साइन आएगा, डिस्कनेक्टेड स्कैनर, डिस्कनेक्टेड कैन होच मैं काम नहीं करता है। तो मंत्रा अभी मेरे पास ACPL है, मंत्रा में सिर्फ आधार कार्ड का काम हो रहा है। अभी इसको कनेक्ट होने देते हैं, स्कैनर रेडी। नहीं रुकिए रुकिए, ये लाल में जलेगा। यहाँ पे इनका फिंगरप्रिंट लेंगे, यहाँ पे देखिए आ गया फिंगरप्रिंट का शाइन। देखिए यहाँ पे भी ढका रहता है, पूरा दिखाता नहीं, सब कुछ अभी प्राइवेसी में चल रहा है। काम करता है तो राजमिस्त्री मानो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, मायर नाम की? ज्योत्सना रानी मोहन। ज्योत्सना रानी मंडल का स्पेलिंग MONDAL मंडल। वाइफ नेम? स्त्री नाम? अपर्णा मंडल। अपर्णा मंडल MONDAL, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, नहीं तो हमेशा गलती होगा। रानी मंडल MO होना चाहिए, MONDAL। फादर्स नेम? बाबा नाम? जोगेश चंद्रमंडल। चंद्रमंडल मारा गया चाहिए, कोनो दिक्कत नहीं है, और देना पड़ेगा MONDAL मंडल। ये आधार कार्ड है, जो नाम सही है ना, सही है आधार कार्ड में जो नाम है, फिर से ना गलती हो जाए। खाना लिखा है SANJAY MONDAL, ठीक है नाम, ठीक है, सेव करेंगे। उसके बाद आधार पैन कार्ड में 20,000 कर देते हैं, इधर 10,000 नॉन एग्रीकल्चर से कर देते हैं। रिमार्क ओके, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, 20,000, 10,000, 50,000, कुछ भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड से इन्फॉर्मेशन ले लिया है, एड्रेस वाला, ठीक है, सेव करेंगे यहाँ पे। फिर नॉमिनी डिटेल्स में आप यस भी कर सकते हैं, नॉमिनी नेम भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉमिनी नेम नहीं भी दे सकते हैं, बाद में अपडेट भी हो सकता है ना, नॉमिनी देगा तो दीजिए नॉमिनी, तब लाइए आधार दीजिए। अभी यहाँ पे दिखा देते हैं नॉमिनी ऐड कैसे करना है। आधार कहाँ, आधार को था, डेट ऑफ बर्थ मालूम आ चे? तब वही तो, इसीलिए आधार नॉमिनी देना सही नहीं समझते पहले, क्योंकि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, नाम सिर्फ मालूम है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होने से गलत देने से दिक्कत हो जाएगा, बाद में अपडेट हो सकता है, हो जाएगा। हाँ ठीक है, नॉमिनी में हम नो कर दिए, ठीक है, उसका सेव करेंगे। हाँ, बाद में अपडेट कर देंगे। मैरिटल स्टेटस में मैरिड हो जाएगा, ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर कर देते हैं, ग्रॉस एनुअल इनकम 20,000 उठा लीजिए। एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है? फाइव तक, बिलो मैट्रिकुलेशन कर देते हैं। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन? नो, ऑटोमेटिकली किया हुआ है, यस सेव करेंगे। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स में डालेंगे 200 रुपीस इनिशियल डिपॉजिट, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट नहीं खुलेगा। आइए उठिए, यहाँ पे जो फर्स्ट रिसीव DBT ने IPV अकाउंट, यहाँ पे फर्स्ट सर्कल उसको क्लिक करेंगे, नीचे में वेरीफाई का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, टैप करेंगे, फिंगरप्रिंट दिलवाएंगे। तीन जनेर होबे ना, बच्चा का नहीं होगा, चेक करके देख लेंगे, होगा तो कर देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए आधार इज नॉट अवेलेबल इन MapperDB, इसी वजह से यहाँ पे वेलकम किट पे जाएंगे, ये स्क्वायर को क्लिक करेंगे, उठा लीजिए आप फिंगरप्रिंट, तब तक के लिए मेरा वेलकम किट भी खत्म हो रहा है। ये रहा हमारा वेलकम किट, यहाँ पे जाएंगे, इस स्क्वायर को क्लिक करेंगे, ये जो बारकोड है इसको यहाँ पे
स्कैन करेंगे, यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर आ गया है, आई एग्री टू एपीवी टर्म एंड कंडीशन सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है कैंडिडेट का, कंफर्म करेंगे, कंसेंट टू यूज ई साइन कंफर्म करेंगे, सबमिट करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, टैप करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, ये फाइनल अकाउंट ओपनिंग हो रहा है। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। आज सर्वर बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई जल्दी जल्दी काम हो रहा है, अकाउंट ओपनिंग हो गया, यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया। इधर थोड़ा लेट से हुआ भाई, तो फाइनली इस तरह से अकाउंट खुल गया है, ठीक है। अभी इधर वो कैसे पता चला पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है, कौन बोला? जो बैंक में काम करता है वही हमको बोला। आप जो बैंक में काम करता है, आपका जो पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा था जमीन वाला, तो आप गए पूछने के लिए, तो बोला कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खोलिए, टका आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप आए हैं, तो आपका दुकान भी है वो, ये इसका फास्ट फूड का, तो आपको आज अकाउंट भी खोल देते हैं, पीएम किसान का पैसा भी आएगा, और आपको अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद लड़का को भेज दीजिएगा, अकाउंट खोल देंगे, इधर QR कार्ड देंगे, वो दुकान में लगा लेगा, ठीक है। ठीक, किसान का कितना किस्ती आया आपका अभी तक में, कितना? तीन किस्ती आया, तीन। कब से बंद है, कब से बंद है? पूरा डिटेल साच है, लाइए हमको दीजिए। FTO प्रोसीड, पेमेंट मोड कहाँ पे प्रोसेस नहीं, हाँ यहाँ पे देखिए, आधार जो है, आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इसी वजह से इनका पैसा नहीं आ रहा है, तो अभी इनका आधार सीडिंग कर देंगे अकाउंट से, हो जाएगा, और सब कुछ इनका सब कुछ ओके है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, बस ये नहीं है, आधार सीडिंग किया हुआ नहीं है, और सब कुछ ओके है।